नहीं देखिए यूसुफ जी, जो मोदी जी आए हैं तो जब भी आप किसी से मिलते हो, बाहर से आए हो 5 दिन के बाद, तो उन्होंने पूछ लिया सामान्य शिष्टाचार में कि क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं, उनके जो जहाज के अंदर जो सिस्टम होता है, क्योंकि हम भी बहुत बार स्टेट विजिट्स पे गए हैं साथ, उसमें CIB से लेकर के तमाम जो उनका इंफॉर्मेशन का तंत्र रहता है, पल पल का अपडेट प्रधानमंत्री को जो जानना चाहिए वो होता है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आजकल प्रधानमंत्री जी को वो सारी जानकारियां नहीं दी जाती, इसलिए उनको पूछना पड़ा कि देश में चल क्या रहा है। तो देश में क्या क्या चल रहा है, ये मेरी आपकी ड्यूटी, क्योंकि और तो कोई बताएगा नहीं, बहुत थोड़े लोग बचे हैं जो देश जी में क्या चल रहा है वो बता दें। नड्डा साहब तो बेचारे वो बताएंगे कि भाई आपके 9 साल का ये शोकान चल रहा है, वो जो दिल्ली के सांसद गए थे वो भी यही बताएंगे। लेकिन हम जो लोग यहाँ बैठे हैं या 5-4 साथी और हैं जो बताते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी अपनी आहुति डालनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को बताने में कि देश में चल क्या रहा है। जिस समय प्रधानमंत्री देश में उतरे थे, उस समय एक दिल्ली की शिक्षिका महिला अपने बच्चों के साथ छुट्टी मनाने जा रही थी, और वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खंबे में करंट आने से उनकी मौत हो गई। और जिस उसके लिए वो जा रही थी, वो एक खुशी का पल था, और वो सब मातम में बदल गया, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे साथ। ये प्रधानमंत्री जी के घर से 6 किलोमीटर दूर चल रहा था। अगली बात पे आइए, प्रगति मैदान के सामने एक अंडर पास है, वो 4 किलोमीटर है प्रधानमंत्री जी के घर से। वहां पर दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में एक व्यक्ति से घात सरेआम लूटपाट होती है अंडर पास के अंदर, कैमरे पे है। ये दो तत्कालीन घटनाएं हैं। और जैसा आपने बिल्कुल उचित फरमाया कि 53 दिन से मणिपुर जल रहा है, 53 दिन से जल रहा है। लोग कहते हैं बहुत सारी बातें कि भाई जब पुलवामा का हुआ, वो नरसंहार हुआ एक तरीके से सैनिकों का, CRPF के सैनिकों का, तो प्रधानमंत्री जी आपको ध्यान होगा वो शूटिंग कर रहे थे जिम कॉर्बेट में, याद होगा आपको। जी और 4 घंटे तक प्रधानमंत्री जी को देश के अंदर रहते हुए ये सूचना ना मिल पाए, ये मेरे लिए मतलब हजम कर पाना बड़ा मुश्किल है कि 4 घंटे तक प्रधानमंत्री जी को ये ना पता लगे कि इतना बड़ा नरसंहार हो गया। क्योंकि सेटेलाइट टेलीफोन से लेकर तमाम सुविधाएं, और जिम कॉर्बेट तो तुरंत चल में है, कोई बात ही नहीं। लेकिन उनको शायद 4 घंटे बाद पता लगा था, जैसा कि सूचनाएं सारी है। 53 दिन से मणिपुर जल रहा है, RSS तक ने अपील कर दी है कि साहब शांति के लिए, क्या 53 दिन में प्रधानमंत्री जी के मुंह पे एक शब्द मणिपुर आया है? उनके मन की बात में कोई आया है? उनके ट्विटर पे कुछ आया है? देश में ये चल रहा है, देश में मणिपुर जल रहा है, सबसे सेंसिटिव स्टेट्स में से एक है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, चाइना के साथ लगता है पूरे का पूरा, और उस पर इस तरह की चुप्पी। और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता है, देश में ये चल रहा है, और बहुत सारी चीजें चल रही है यूसुफ जी। और जो मेरी जो चिंता है वो ये है कि इस देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो एक ट्रॉल पार्टी बन गई है, देश में ये भी चल रहा है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, और जो उनका ये खुद का ये मानना है, मैं नहीं कह रहा, ये उनका ये दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉल पार्टी बन गई है, और बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है। पहले वो क्या करते थे, वो स्टेट लेवल पे ट्रॉलिंग करते थे, फिर वो नेशनल लेवल पे ट्रॉलिंग करने लगे, और प्रधानमंत्री जी के दौरे का असर ये हुआ कि वो इंटरनेशनल हो गए हैं ट्रॉल्स भी। बराक ओबामा जैसा, माई फ्रेंड, मोदी जी के शब्दों में कह रहा हूँ, माई फ्रेंड ओबामा, माई फ्रेंड बराक, दैट इज व्हाट ही यूज टू कॉल इट। और उनके एक मुख्यमंत्री ये कहते कि बराक हुसैन ओबामा, समझिए देश में ये चल रहा है। जो जर्नलिस्ट अमेरिका में प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछती है, उसका क्या हाल कर दिया है ट्रॉल्स ने, ये चल रहा है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि चमक रही है, बिल्कुल हम पूरे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है कि हम चमक रहे हैं। तो देश में यूसुफ जी काफी कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी को वास्तव में कैसे पता होगा, देश में तो बस कमाल ही कमाल है, प्रधानमंत्री जी को यह जरूर पता है। मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरीके से उसकी समस्या को, जब प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द नहीं कहा, तो आप कल्पना कर सकते हैं इसका मतलब तो देश उस समस्या को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, उसकी गंभीरता को ही नहीं समझ रहा है, उसकी सेंसिटिविटी को ही नहीं समझ रहा है। मुझे लगता है हमारे सारे पैनलिस्ट साथी इस बात से सहमत होंगे। हो क्या रहा है, लैंड ऑर्डर का कोलेप्स हो रहा है। 356 लगाने का सबसे प्रमुख कारण होता है इतिहास, उसमें जो संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि अगर किसी स्टेट के अंदर लैंड ऑर्डर कोलेप्स कर जाए तो 356 का यूज कर लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी सत्तारूढ़ पार्टी ने देश में कभी अपनी सरकार बर्खास्त नहीं की। आप बहुत सीनियर साथी हैं सारे, अगर आपको पंजाब का अध्ययन हो, जब आतंकवाद सिर उठाने लगा था
और वहां पर दरबारा सिंह की सरकार थी, याद होगा आपको। इंदिरा गांधी ने एक मिनट नहीं लगाया और अपनी ही सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यहाँ तो 53 दिन से चल रहा है, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, ट्वीट नहीं करते हैं, जो ऑल पार्टी मीटिंग होती है वो 50 दिन में होती है, तो देश में ये भी चल रहा है। उसके अलावा आज जो पूरी की पूरी ईस्ट लद्दाख की अगर आप हालत देखिए, जो ईस्ट लद्दाख है बॉर्डर पे, हमारे जो यशस्वी रक्षा मंत्री जी हैं, आज वो जम्मू में थे, उन्होंने बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया। एक एक बात समझने की यूसुफ जी, और चूंकि मेरा डिफेंस के साथ नाता रहा है, ये गृह मंत्रालय और ये तमाम चीजें, तो मैं थोड़ा सा इनसे ज्यादा कनेक्टेड सा भी महसूस करता हूँ अपने आप को। आज जब अपने रक्षा मंत्री जी, ये वही रक्षा मंत्री जी हैं जो पुलवामा में गृह मंत्री थे, और जो इन्होंने जो सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जहाज नहीं मिल पाया था, और आज वो उस पूरे मामले में लेकर के और सारी चीजों में उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया था उड़ी के बाद और पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री ने कि वहां पर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और बदला लेंगे घर में घुस के मारेंगे, ये कहा उन्होंने आज वहां कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो जहाज नहीं दिया गया था सीआरपीएफ के लोगों को जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, ऐसे रक्षा मंत्री जो उस टाइम गृह मंत्री थे, इनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था, क्या हुआ था? हुआ था क्या? चर्चा भी नहीं हुई, किसी ने सवाल भी नहीं पूछा। वो एक खबर मैंने लिखी थी उस समय, फ्रंट पेज पे लगी थी, जिसका रवीश जी ने भी अपने शो में पूरा जिक्र किया, और उसके बाद जो अपने क्या नाम तत्कालीन गवर्नर ने वो बात कन्फर्म की कि जहाज मांगा गया था, और ये सारी बातें जो सतपाल मलिक ने कहा। उसके बाद क्या कहते हैं रक्षा मंत्री जी आज वहां बैठ के, उन्होंने फिर एक बात दोहराई, मैं हैरान हूं कि ये कैसी पार्टी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो 2 बार अध्यक्ष रहे, उन्होंने आज कहा कि हम घर में घुस के मारते हैं। तो मैं यूसुफ जी हैरान रह गया कि ये पाकिस्तान का ही जिक्र क्यों करते हैं। चाइना की सेना ईस्टर्न लद्दाख में 18 से 20 किलोमीटर हमारे यहां घुसपैठ करके बैठी है, 18 से 20 किलोमीटर, और जो बफर जोन है वो भी हमारी सीमा में बना हुआ है। उसके अलावा जो हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं ईस्टर्न लद्दाख में, उसमें से 26 पे हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये लद्दाख के एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो रक्षा मंत्री जी किस बात की डिंगे हाँक रहे थे? अगर प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग की चाइना को लेकर के, डेपसांग को लेकर के, ईस्टर्न लद्दाख को लेकर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ना कोई घुसा ना कोई आया। तो यूसुफ जी मैं सारे साथियों से पूछता हूं, अगर कोई आया नहीं कोई घुसा नहीं, तो आज तक जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की 18 मीटिंग है किस बात की हुई है चाइना के साथ, जब कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, 18 मीटिंग है किस बात की हुई? देश में यह भी चल रहा है। इसके अलावा देश में और भी बहुत कुछ चल रहा है यूसुफ जी। देश में बेरोजगारी जैसे आपने कहा खूब धमाके से चल रही है, जो हमारी पीएसयूज हैं उनमें लाखों रोजगार चले गए हैं, और उसके अलावा आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री जी का जो उसका जो उनकी जो ट्विटर आर्मी है और जो उनका कम्युनिकेशन सेल है, उसका चीफ बराक ओबामा के बारे में क्या कह रहा है? हमारे देश के वित्त मंत्री जिनका कोई वास्ता नहीं है, उनको वित्त मंत्रालय के अलावा उनका क्या मतलब, कोई बात होगी तो विदेश मंत्रालय कहेगा। तो वित्त मंत्री कह रही है, आज की खबरें बता रहा हूं, मुझे पिछली नहीं बता रहा, आज की तारीख में वित्त मंत्री कहती है कि ये वही बराक ओबामा है जिनके शासन में 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया गया था। तो अगर उसने वो किया था तो क्या हमारे माइनॉरिटीज के जो हित है, जो उनकी सुरक्षा है, क्या वो मुद्दा खत्म हो जाता है? रक्षा मंत्री जी ने जम्मू में आज जो कुछ कहा, जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से वो यशोगान करते हैं, इस पूरे देश को एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी जो पूरी की पूरी भावनाओं का जो मजाक उड़ा जा रहा है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। कि जब यूक्रेन से हमारे छात्रों को निकालना था, मेडिकल छात्रों को, तो युद्ध रुकवाया प्रधानमंत्री जी ने। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी जी इतने मतलब बलशाली हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो मणिपुर के अंदर जो खून खराबा हो रहा है उसको भी रुकवा दे। एक मेरा ये पॉइंट था। दूसरा जो यूसुफ जी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूं और जो कहीं ना कहीं लैकिंग है आज की तारीख में, वो ये है कि ओवरऑल जो स्थिति देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो आप शेर हैं उसमें, तो कोई बब्बर शेर है कोई बात ही नहीं। जब इस देश का विदेश मंत्री ने क्या कहा चीन के बारे में, जब सवाल पूछा गया जो मैंने आपसे बात की, देश का विदेश मंत्री कहता है कि वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैं उनसे पंगा कैसे ले लूं? तो हमने सेना किस लिए रखी है? दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट कह रहा था मैं, और आखिरी बात यूसुफ जी जो मैं कह रहा हूं कि इस देश में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मणिपुर का जिक्र नहीं हो रहा है, इस देश के अंदर चाइना का जिक्र नहीं हो रहा है, इस देश में अडानी के ऐतिहासिक घोटाले का जिक्र नहीं हो रहा है, इस देश में पेगासस का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, इसमें इस देश में नोटबंदी के फॉलआउट्स का कोई जिक्र नहीं हो रहा है,
इस देश में संसद में किसी भी मुद्दे पर बहस ना होने का जिक्र नहीं हो रहा है, इस देश में बिल्कुल सवाल खत्म हो जाने का जिक्र नहीं हो रहा है। और ये सारे सवाल अगर आप जैसे साथी जिंदा नहीं रखेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। मैं बहुत ही अदब के साथ ही आपको कहना चाहता हूँ।